हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अश्विनी दुबे जी के पास। ये सुप्रीम कोर्ट के रेनाउंड लॉयर हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं, कुछ सवाल है हाथरस केस के ऊपर। तो मेरा पहला सवाल है अश्विनी जी, कि आपको क्या लग रहा है हाथरस केस में जो मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, क्या वो सही है? देखिए, किसी भी केस में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस का, पब्लिक का, भीड़ तंत्र का जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जिस केस में जिस तरीके से शुरुआती दौर पर हो हल्ला मचाया गया और बिना तथ्यों की जांच किए, बिना इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट का वेट किए, बिना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट को जांच किए हुए, इसको पहले तो गैंग रेप में जो इन्होंने इमीडिएट एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रेशर किया, उसके बाद जैसे ताजा हालात पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि नहीं, ये गैंग रेप का नहीं, हो सकता है एक ऑनर किलिंग का भी मामला हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्यूज पर्सन है, एक्यूज पर्सन के कैरेक्टर को असैसिनेशन जो मीडिया में हो गया, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गैंग रेप हुआ हो या गैंग रेप में वो चारों इन्वॉल्व रहे हों। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चले कि तीन ही इन्वॉल्व रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चले कि गैंग रेप हुआ ही ना हो, तो देश में एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिस व्यवस्था के तहत जब तक जांच एजेंसी हमारी किसी रिपोर्ट पर नहीं पहुंचे, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तब तक ऐसे मामलों में मीडिया का प्रेशर, भीड़ तंत्र का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अश्विनी जी, आप क्या कहते हैं, ये ऑनर किलिंग है, मर्डर है या रेप है? ये जो इन्वेस्टिगेटर है, बहुत अच्छी एजेंसी जांच कर रही है। पहले तो एसआईटी बनी, एसआईटी ने जांच किया, प्राथमिक जांच किया, अब देश की सर्वोच्च संस्था जो है, जो सीबीआई है, वो जांच कर रही है। उनकी जांच रिपोर्ट के बाद जो आएगा तभी कुछ कहना संभव होगा कि ये क्या है। ऐसी स्थिति में हमारा कहना तो एकदम से उसी तरह से हो जाएगा जैसे पॉलिटिशियंस ने और मीडिया वालों ने जाकर के जंप करके और कंक्लूजन पे पहुंच गए। एक बार इन्वेस्टिगेशन आ जाए, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाए, सीबीआई एक सर्वोत्तम संस्था है, वो जांच कर ले, उसकी एक्सपर्टीज है उसमें इस तरह की जांच करने का, उसके बाद कुछ कहना उचित होगा। स्पेशली इस केस में, हाथरस केस में, क्या जातीय दंगे कराने की मंशा थी किसी की? देखिए, अभी जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यह तो यही समझ में आ रहा है कि कुछ विदेशी एनजीओ, कुछ देशी एनजीओ, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट देश के बाहर के खोले गए, कोई पाकिस्तान में, कोई सीरिया में, कोई बांग्लादेश में, कोई कहीं बैठ करके विदेशों में, तमाम तरह के ट्विटर अकाउंट खोले गए और बाद में जैसे ही वो प्रेशर बिल्टअप हो गया तो ट्विटर अकाउंट बंद भी कर दिए गए। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया का प्रेशर हो रहा है, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है जांच करने के लिए बाध्य हो रही है उस एंगल में, ऐसे प्रेशर से मुक्त करने के लिए हमारी एजेंसीज को इंडिपेंडेंट करना होगा। और ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक थी। जैसे आज ही सुबह सुबह हम लोगों ने बड़े रिनाउंड टीवी चैनल की बात देखी तो देखा तो ये पता चला कि बहुत सारे ट्विटर अकाउंट बाहर से, तो ट्विटर की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ऐसे जो फेक अकाउंट्स हैं, जो विदेशों में बैठे हुए देश के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं, उनको रोकें, कि अल्टीमेटली मैकेनिज्म डेवलप करने का काम सर्विस प्रोवाइडर का है, तो ट्विटर के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। करोड़ों की फंडिंग आ रही है ऐसा मैंने सुना है, और एक नक्सली भाभी, इन्हीं किसने प्लांट किया, आपको अंदाजा? देखिए, इसी तरह से जब जब डिसेबल करने की बात होती है, गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशराइज करने की बात होती है, किसी एक खास मकसद की पूर्ति के लिए जब कुछ प्लांट किया जाता है तो ऐसे लोग सामने आते हैं। अभी जो अभी का पता चल रहा है, वो मध्य प्रदेश में किसी उसमें मेडिकल ऑफिसर है, किसके लिए काम करती थी, कहां से काम करती है, कैसे वहां पहुंची, क्या गवर्नमेंट को डिजिटलाइज करना था, या किसी एक जाति दंगे करवाना था, या वहां पर अगड़ा और पिछड़ा जो चल रहा है, समर्ण और दलित, उसको लेकर के आगे बढ़ाना था, एक गैंग रेप दिखाना था, ऑनर किलिंग दिखाना था, या वर्ग संघर्ष कराना था, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। और ऐसे लोग, जो भी लोग उस सिस्टम में, चाहे कितने बड़े भी हैं, जो भी लोग उसमें मौजूद है या कॉन्स्पिरेटर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एक लड़की की मौत पे या रेप जैसे हीनियस क्राइम पे पॉलिटिसाइज किया जा सकता है? देखिए, मौत, किसी एक इंडिविजुअल की मौत भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी निर्दोष की जान जाना किसी भी तरह से वो प्रोहिबिटेड है। आप ये देखिए, हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि दोषी व्यक्ति को भी जब तक आखिरी अदालत दोषी नहीं मान लेती तब तक उसको सजा नहीं दी जाती, दोषी नहीं करार दिया जाता। तो पॉलिटिसाइज तो किसी भी मौत को और उसको पॉलिटिक्स को अलग करके देखना चाहिए।
और जो इस तरह की घटनाएं हैं, जैसे रेप जैसी घटनाएं, अगर सही में सही कहीं साबित होता है कि रेप हुआ है, तो वो बहुत ही दृढ़ कार्य है, उसको दोषी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है और बाद में पुष्टि होती है कि रेप हुआ ही नहीं, वो उससे बड़ा घृणित कार्य है। तो जो करने वाला है उसके ऊपर भी उसी प्रोपोर्शनेट में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, आपकी मुहिम इतनी अच्छी है कि आप मेल फीमेल और जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए बात कर रही हैं, वो आपकी मुहिम ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके आपके साथ लोगों का हुजूम खड़ा हो, ताकि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ इस देश में बन सके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए इक्वल राइट इक्वल अपॉर्चुनिटी। आपने अभी देखा कि इन तीनों दोषियों को जेल में डाला गया। क्या समाज, अगर इनके ऊपर कोई भी रेप चार्जेस नहीं प्रूव होते, जो कि तो फिर क्या समाज इन्हें स्वीकारेगा, इन लड़कों को? देखिए, अगर हम इस तरह की बात करें तो रोहतक की घटना देखिए, रोहतक में दो दो फोटो के एक्विटल के बाद उस लड़के को नौकरी नहीं मिली, झांसी की रानी कह करके उस लड़की को अवार्ड भी दिया गया, पुरस्कार भी दिया गया, पुरस्कार के लिए नामित हुई, सबने कहा कि इनको जो बनाना है अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाने का आरोप किया, लास्ट बाद में पता चला कि वो केस ही झूठा था, वो जस्ट एक मीडिया कवरेज के थी। लिए, मीडिया हाइप के लिए, मीडिया कवरेज के लिए और अटेंशन सीक करने के लिए किया गया था। तो ऐसे केसेस में आया, तो जिस प्रपोर्शनेट में जब कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता है ऐसे केसेस में, जिस तरह से ट्रेंड करता है वो सोशल मीडिया पे और मीडिया में, उसी प्रपोर्शनेट में एक लॉ ऐसा बने कि इक्वली अगर वो व्यक्ति डिस्चार्ज हो जाता है कोर्ट से, उसी तरह से ट्रेंड करके उसकी इमेज को बचाया भी जाए, ताकि एक बार जब उसकी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाती है तो कितना भी वो बरी हो जाए लेकिन लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि हमारा समाज बरी होने के बाद भी, अदालत से बाइज्जत आने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी जो इमेज जानी होती है, जो उसकी इज्जत जानी होती है, जो कैरेक्टर का असैसिनेशन होता है, वो हो चुका होता है। इसलिए ये जरूरी है कि एक ऐसा कानून बने हमारे देश में कि जब कोई बाइज्जत बरी हो तो उसको समाज स्वीकार करे, और उसी प्रपोर्शन में जो जो लोग रेस्पॉन्सिबल थे उसकी इमेज को खराब करने, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी हो कि उसकी इमेज को ठीक करे। मेरा आप ये जो लास्ट सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुड इंडिया हैव जेंडर न्यूट्रल लॉ? बिल्कुल, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ। रखा जी, आप तो पिछले दशकों से प्रयास कर रही हैं, 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया, जेंडर न्यूट्रल लॉ इस देश की आवश्यकता है। अगर समाज को विघटित होने से, समाज के विकेंद्रीकरण से, समाज को अगर आपस में सद्भाव से रखना है, तो एक मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए एक कॉमन लॉ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसमें गलती करे उसको पनिशमेंट, क्योंकि होता क्या है कि कई बार केसेस ऐसे होते हैं, झूठे केसेस होते हैं, उसमें भाई आदमी बरी हो जाता है तब भी वो जो जेल का पीरियड उसने काटा होता है वो पीरियड तो लॉक करके नहीं आता। तो ऐसा भी होना चाहिए कि अगर झूठा केस कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी झूठ साबित होने के बाद कार्यवाही हो, तभी इस तरह के फेक केसेस जो है बचेंगे, और नहीं तो होगा क्या कि फेक केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी और लोग इसी तरह से, कभी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए फेक केसेस करेगा, कोई ऑफिशियल अपने प्रमोशन के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कोई किसी और अपने आवश्यकताओं के निजी हितों के पूर्ति के लिए करेगा। तो एक जेंडर न्यूट्रल लॉ इस देश के, जो यूनिफॉर्म लॉ इस देश की जरूरत है, और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, आप अग्रणी हैं, बाकी और भी जो लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं वो सब मिल करके एक साथ काम करें, ताकि देश में एक बराबरी का माहौल बन सके। धन्यवाद अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।